मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में संपन्न हुए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण समारोह को वर्चुअली रूप से संबोधित करते हुए स्वर कोकिला लता मंगेशकर की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। उन्होंने कहा है कि इंदौर में लता जी के नाम संगीत अकादमी, संगीत महाविद्यालय और संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि लता जी द्वारा संगीत के क्षेत्र में दिए गए योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। राज्य शासन के प्रतिष्ठा प्रसंग राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान अलंकरण समारोह में फिल्म जगत की गायन और संगीत क्षेत्र की तीन हस्तियों को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से अलंकृत किया गया। ये सम्मान प्राप्त करने वालों में पार्श्व गायक शैलेंद्र सिंह, कुमार सानू और संगीतकार आनंद मिलिंद शामिल है। इन्हें ये सम्मान राज्य शासन की ओर से पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने प्रदान किया। साल 2019 का सम्मान पार्श्व गायन के लिए शैलेंद्र सिंह को, साल 2020 का सम्मान संगीत निर्देशन के लिए आनंद मिलिंद को और साल 2021 का सम्मान पार्श्व गायन के लिए कुमार सानू को प्राप्त हुआ है।